एलन मस्क ने क्यों मारी पलटी? पहले कर्मचारियों को किया बाहर, अब क्यों कहा प्लीज कम बैक? जाने किसको मिलेगी फिर से नौकरी। दुनिया के सबसे अमीर इंसान एलन मस्क ने ट्विटर के खरीदने के बाद कई बड़े फैसले लिए थे, जिनमें कई कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखाना भी शामिल था। लेकिन अब ट्विटर ने अपने एक फैसले को पलटते हुए कुछ कर्मचारियों को वापस काम पर बुला लिया है। वहीं अब कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसा दावा किया जा रहा है कि ट्विटर उन लोगों को दोबारा वापस कंपनी में बुला रहा है जिन्हें शुक्रवार को ही कंपनी से निकाला गया था। ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इन कर्मचारियों को निकाले जाने के बाद ऐसा महसूस किया गया था कि इन कर्मचारियों की कंपनी को जरूरत है, लिहाजा इनको रिकॉल कर वापस काम पर आने के लिए कहा गया। बिजनेस स्टैंडर्ड्स की रिपोर्ट के मुताबिक एलन मस्क ने ट्विटर से निकाले गए कर्मचारियों में से कुछ कर्मचारियों से काम पर वापस आने की अपील की है। कंपनी की ओर से बर्खास्त कर्मचारियों से गुजारिश की गई है कि प्लीज कम बैक। हालांकि रिपोर्ट में इस बात का खुलासा नहीं किया गया है कि मस्क ने कितने कर्मचारियों से वापस काम पर आने के लिए कहा है। गौरतलब है कि ट्विटर में इतने बड़े पैमाने पर छटनी को लेकर कंपनी की पूर्व बॉस जैक डोर्सी ने भी चिंता जताई थी। गौर हो कि ट्विटर के नए बॉस एलन मस्क ने बीते शुक्रवार को कर्मचारियों की जबरदस्त छटनी के बाद इसकी बड़ी वजह का ट्वीट के जरिए बताई थी। उन्होंने कहा था कि जहां तक ट्विटर के वर्कफोर्स में कमी की बात है तो कंपनी के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। ट्विटर को रोजाना करीब $40 लाख का नुकसान हो रहा है। उन्होंने ये भी बताया था कि कंपनी से निकाले गए कर्मचारियों को 3 महीने के सेवरेंस पैकेज का ऑफर दिया गया है, जो कानूनी बाध्यता से 50% अधिक है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एलन मस्क के अधिग्रहण के बाद लागत कम करने के लिए इस हफ्ते ईमेल के जरिए करीब 3700 लोगों को नौकरी से निकाल दिया। अब चूंकि इनमें से कई कर्मचारियों को वापस कंपनी में बुलाया जा रहा है तो इससे पता चलता है कि छटनी की ये प्रक्रिया कितनी जल्दी और अराजक थी। भारत समेत दुनिया भर में माइक्रो ब्लॉगिंग मंच ट्विटर के कर्मचारियों की छटनी के बीच इसके नए मालिक उद्योगपति एलन मस्क ने अपने कदम को सही ठहराते हुए कहा है कि कंपनी के हर दिन लाखों डॉलर का नुकसान झेलने की स्थिति में उनके पास छटनी के अलावा कोई विकल्प ही नहीं बचा था। मस्क ने शनिवार को एक ट्वीट में कहा, ट्विटर के कार्यबल में कटौती का जहां तक सवाल है तो कंपनी के $40 लाख प्रतिदिन का नुकसान उठा रही है, तो दुर्भाग्य से हमारे लिए कोई विकल्प नहीं रहा। आपको बता दें कि ट्विटर ने नई ट्विटर ब्लू सदस्यता योजना शुरू की है, जो किसी भी यूजर्स के लिए वेरिफिकेशन से चेक मार्क की पेशकश करता है। इसके लिए यूजर्स को $8 प्रति माह का भुगतान करना होगा। कंपनी ने यह भी कहा था कि वो जल्द ही अन्य सुविधाओं को लॉन्च करेगी, जिसमें कम विज्ञापन, लंबे वीडियो पोस्ट करने की क्षमता और उत्तरों, उल्लेखों और खोजों में प्राथमिकता रैंकिंग प्राप्त करना शामिल है। बता दें कि भारत में ये सेवा जल्द ही शुरू हो जाएगी। मस्क ने एक ट्विटर यूजर के भारत में ट्विटर ब्लू सेवा शुरू होने के समय के बारे में पूछे जाने के सवाल पर जवाब में ट्वीट किया, उम्मीद है 1 महीने से भी कम समय में। तो ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।